लड़का अभी तक सो रहा है। करण, मम्मा सोने दो ना अभी मुझे। बेटा पापा गुस्सा करेंगे, चल उठ, ऐसे नहीं करते, उठ जा, चल उठ जा। तो रोज का काम है गुस्सा करना। बेटा कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, और ऐसे नहीं बोलते, वो तेरे पापा हैं, चल उठ जा। सोने दो ना माँ। ओहो, उठ उठ जा, अब रेडी हो जा। उठ जा फटाफट, नाश्ता रेडी है, तू भी रेडी हो जा, आ जा फटाफट, रेडी होके आ जा। हाँ जी, उठ गए नवाब साहब। टाइम देखा क्या हुआ, जिंदगी में सोचा कुछ करने का, जहाँ सारी जिंदगी मेरे सर पे बोझ बन के बैठे रहोगे। हो गया आपका, जाऊँ मैं कॉलेज। सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हैं। ओके ओके। आप लोग भी ना। ओए ओए, क्या हुआ यार? मुझे लगा मैंने भी करण को देखा। अबे यार, किस मनोती का नाम ले लिया तूने? हाँ यार, भी सही है। सच यार, वो बंदा क्या कांड है। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ झक मारने के लिए आए होते हैं, और हम जैसे मारने के लिए। तुम दोनों ना चुप रहो। और रिस, ये लड़की कैसे पटाते हैं, मुझे भी सिखाओ ना। अरे नहीं, नहीं। अरे इधर क्या देख रहे, सिखाओ ना। शनाया, शनाया। हाँ बोलो। वो मुझे ना कुछ बात करनी थी आपसे। क्या? वो मैं क्या, मैं कुछ बात करनी थी। अच्छा, बात तो मुझे भी करनी थी आपसे। वो क्या है ना, जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल सिर्फ एक ही बात कहता है, डम्बो हो तुम। करण डम्बो। और दिल तोड़ दिया यार। ये क्या बोल दिया शनाया, उसके लव को डम्बो बोलकर खत्म कर दिया। क्या यार, बच्चे का दिल तोड़ दिया। हाँ यार, बच्चे का दिल तोड़ दिया। बच्चा है तो घर जाके दूर नहीं आया था। तू तो चुप ही रह। यार वो माना बच्चा है, लेकिन तू उससे प्यार बहुत करता है, उसके प्यार का वैल्यू दे। रुको रुको, इसको बुलाते हैं। ओए करण। हाँ बुला। मैं? हाँ हाँ, तू बात सुनी जरा। रुको रुको, इसकी बचाते हैं अभी, रुक अभी इसको देखते हैं। हाँ भाई। कभी कोई गर्लफ्रेंड बनाई? नहीं, कभी नहीं। नहीं भाई। यार इसकी शक्ल देख, इसके बाल देख रहा, इसके साथ कौन सी लड़की सेट होगी, और जो होगी भी उसकी जिंदगी तो खत्म। फिनिश। मतलब तूने कभी किसी के साथ वो भी नहीं किया? वो क्या? अबे रोमांस। नहीं भाई, मतलब तू वर्जन है। अबे ये जीना भी कुछ जीना, अबे क्या रखा है ऐसे जीने में? क्यों भाई, क्या हुआ? अरे मेरे बेटे, जिसने औरत का सुख नहीं लिया ना, वो इंसान नहीं है, वो घूंचू है, घूंचू। तूने काम कर, घर जा और रोटियां सेक। भाई मुझे भी, क्या मुझे भी लड़की पटाना सिखाओ ना। देख यार, लड़की पटाना एक आर्ट है, एक साधना है, वैसे साधना भी क्या चीज है। नहीं भाई, मैं भी आपकी तरह कूल दिखना चाहता हूँ। कूल बना तो पहले ना अपनी वर्जिनिटी तोड़वा के, असली वाला मर्द बन, असली वाला। अरे इधर आना, देख
तूने काम कर, घर जा किसी ऑनलाइन साइट से ना कॉल गर्ल बुक कर, इससे ना तो कम से कम मर्द तो बन ही जाएगा। और ये लड़की पटाना और कूल वूल दिखना ना बेटा तेरे बस का काम नहीं है, ठीक है? चल अबे ओ ज्यादा हवा में चल। हाँ, कहाँ इतनी जल्दी में, कोई जंग जीत के आए हो या कोई गोल्ड मेडल लेकर आए हो? और हाँ, ये कपड़ों का क्या हाल बना रखा तूने? पापा इस समय परेशान मत करो। देखा, गुस्सा देखा ना पापा। और हाँ, तुम्हारी ये ट्यूशन नहीं थी क्लास के बाद जो गया नहीं वहाँ पे? क्या अभी शुरू हो गए, उसे घर के तो अंदर आने दो। यार मैं ना इन दोनों के लिए एक पाई जोड़ रहा हूँ ताकि जो कि इन दोनों का कुछ बन सके, लेकिन ये दोनों अपने सर पर नाकामयाबी का टोकरा लिए घूम रहे हैं। ये हमेशा ना दूसरों के बच्चों से पीछे ही रहेंगे। फिर से शुरू हो गए। देखा गुस्सा देखा छोटे नवाब का। छोड़ो यार, बच्चे हैं समझ जाएंगे, हमें लेट हो रहा है। अच्छा सुन, हम ना शादी पे जा रहे हैं, ये ले एटीएम कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर देना और मोबाइल का भी। इतना सा काम कर सकते हो कि नहीं? देखा चलो अब चलो। हाय, मैं ठीक हूँ, आप बताओ बस। थैंक यू, मौसम भी अच्छा है बाहर। अबे ओ रोहन, बाहर चल, मुझे कुछ काम करना है। भैया यार आपको दिख नहीं रहा, मैं वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहा था, और किसी के सामने तो तमीज में बात कर लिया करो। देख अब तू तो तमीज सिखा मत मुझे, और जिस लैपटॉप पे तू बात कर रहा है ना वो लैपटॉप मेरा है। चला लो अपना लैपटॉप। ओए सुन, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, अपसेट हो गया यार, कम से कम तू तो समझ मुझे। भैया मैं आगे से आपका लैपटॉप यूज नहीं करूंगा। अच्छा देख, सॉरी मैंने ना तुझे गुस्से में बोल दिया, ये ले कुछ पैसे और जा दोस्तों के साथ घूमा, और ले ले अब। थैंक्स भैया, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। Naughty America. Nobody. 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 Does it better. हेलो, कहाँ पे है तू? भैया मैं बाहर हूँ। मैं ना अपना कुछ पर्सनल काम कर रहा हूँ, तो तू घर थोड़ा लेट आना। भैया आपने मुझे समझ क्या रखा है, कभी रूम से बाहर निकाल देते हो, कभी घर नहीं आने देते। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं घर आ रहा हूँ। ओए ओए सुन, देख गुस्सा मत कर, मैं तुझे कुछ और पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर और अपने दोस्तों के साथ घूम ले। ओके भैया।
हेलो कॉल गर्ल सेंटर, मे आई हेल्प यू? हर तरह की सेवा के लिए, हर तरह की लड़की, वुड यू लाइक इंडियन और फॉरनर? May I help you? हर तरह की सेवा के लिए हर तरह की लड़की Would you like Indian or foreigner? Indian के लिए एक दबाएं, foreigner के लिए दो दबाएं। आपका हमारी सर्विस सेंटर में स्वागत है। आपको हमारी कॉल गर्ल सर्विस का लाभ उठाने के लिए हमारी मेंबरशिप फीस भरनी होगी। आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, उसमें आपको ऑनलाइन 3000 रुपीस ट्रांजेक्शन करनी होगी। हेलो, मैं शिनाया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण। तो बताएं करण जी, कहाँ पहुँचे हैं? हम तो आपसे लिपटने के लिए तरस रहे हैं। वो हेलो सर, आपने हमारी सर्विस प्रोवाइडर की बुकिंग नहीं की है। आपकी स्क्रीन पे मैसेज आएगा 7000 रुपीस पे करके बुकिंग कर दीजिए। पूल बना तो पहले ना अपने वर्चुअली तोड़वा के असली वाला मतलब असली वाला। इसके बाल देख रहे, इसके साथ कौन सी लड़की सेट है? चूहे घूम चूहे जो होगी भी असली वाला मतलब असली वाला। काम कर, घर जा और चूहे घूम चूहे जो होगी भी तूने काम कर, घर जा और हेलो करण, कहाँ चले गए थे? कब तक आओगी? क्यों, इंतजार नहीं हो रहा है क्या? आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा ये तो बताओ, पहली बार कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, हाँ पता है कैसे करते हैं। हाँ हाँ, मैंने पॉन देखा है ना। देखने और करने में बहुत फर्क होता है मेरी जान। तो आप सिखा देना। अच्छा तुम्हारी चेस्ट कितनी है? हेलो, क्या हुआ? टी शर्ट उतार रहा था। उतार दी? मुझे लगा मैं उतारूंगी और तुम्हारे चेस्ट पे हाथ रख के। माफ कीजिएगा सर, आपकी और मैडम की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्शन फीस 5000 रुपीस डिपॉजिट करनी होगी। कोई भी पुलिस केस या मैडम को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये फी रिफंडेबल है। काम होने के बाद ये फीस आपके अकाउंट में रिटर्न ट्रांसफर कर दी जाएगी। Thank you.
हेलो, कहाँ चली जाती हो बार बार? और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे, और वो बार बार पैसे मांग रहे हैं, कभी मेंबरशिप, कभी प्रोटेक्शन, कभी सेफ्टी। जान, सेफ्टी भी तो जरूरी है ना, और सेफ्टी से याद आया, तुम्हें सेफ्टी ही लानी है। कौन सी सेफ्टी? कॉन्डम, अगर मैं प्रेग्नेंट होगी तो जाओ किसी मेडिकल से लेके आओ, मेरी फिक्र नहीं है क्या? अंकल वो चाहिए। जी भाई साहब, वो क्या? अंकल वो क्या? अंकल वो चाहिए। कॉन्डम। कॉन्डम चाहिए? छोटू भैया को दो पैकेट निकाल के दे। अंकल कितने हुए? 40 रुपये हो गए।
तुम बोझ थे मेरे सर पर, वो बोझ ही बने रहोगे। डम्बो हो तुम। फूल बनने तो पहले ना अपनी वर्जिनिटी तोड़वा के आ। असली वाला मर्द बन, असली वाला। इसके बाल देख जरा, इसके साथ कौन सी लड़की सेट होगी, और जो होगी भी तूने काम कर, घर जा और कूल बनना। तो पहले ना मैं ना इन दोनों के पहले ना अपनी असली वाला मर्द बन, असली वाला कुछ बन, असली वाला मर्द बन, असली वाला सर पे ना काम जा, बिकट टोकरा लिए घूम रहे हैं ये हम। हेलो हेलो रोहन। हाँ जी भैया। कहाँ पे है तू? मैं बाहर हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, पापा का एटीएम बेड पे पड़ा है, वो उन्हें पकड़ा देना, और आज से लैपटॉप तेरा हुआ। क्यों भैया, कहाँ जा रहे हो आप? वो सब छोड़, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। हेलो भैया, करण भैया। भैया करण भैया, भैया कहाँ हो आप? करण भैया, भैया भैया ये क्या लैपटॉप और एटीएम कार्ड यहाँ? भैया भैया अंकल, आपने कहीं करण भैया को देखा है? ये क्या करने जा रहे थे आप? मैंने घर पर आपकी चिट्ठी पढ़ी, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके बाद मेरा और हमारे मम्मी पापा का क्या होगा। भैया मैं मानता हूँ आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन कई बार नाकामियाँ इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहाँ पर खुद को साबित करने का जुनून किसी गुनाह से कम नहीं होता। भैया आप स्ट्रांग हो, मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूँ। हम में भले जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हों, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो घर चले। आगे नवाब तुम्हारे, पूछो जरा पैसे कहाँ हैं इनसे। करण तूने क्या किया इतने पैसों का, बताएगा मेरे को कुछ, बताएगा कुछ मेरे को? ना तो तूने बिजली का बिल भरा और ना तूने मोबाइल रिचार्ज करवाया, तो पैसे गए कहाँ? कुछ बोलेगा? पापा एक बारी सुनो। तू तो चुप कर, तुझसे बात कर रहा हूँ। बताएगा कुछ, क्या किया तूने इतने पैसों का? क्या है ये? आप खुद ही देख लो। प्लीज पापा माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। चल कोई बात नहीं बेटा, चल कोई बात, जिंदगी में गलतियां इंसान को सिखाती हैं। शायद ये हमारी ही भूल थी जो हमने तुझे डांटने से ज्यादा तुझे समझाने पे जोर देना चाहिए था। ये स्कोर वगैरह सब फ्रॉड होते हैं बेटा, इनमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। मेरा शेर बेटा कैसे इनकी बातों में आ गया? शायद ये हमारी ही भूल थी जो हमने ये जानना ही नहीं चाहा कि तू परेशान क्यों है, तू चाहता क्या है। और हम ही नहीं, हम जैसे सभी माँ बाप जो अपने डिसीजन अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती थोप देते हैं और बच्चे परेशान होकर फ्रस्ट्रेट होकर अपने पेरेंट्स से बात ना करें,
तो ऐसे गलत रास्ते पे ही जाते हैं। रोहन, आई प्राउड ऑफ यू बेटा, जो तुमने हिम्मत नहीं हारी और अपने भाई को समझाकर घर वापस ले आया। हाँ, ध्यान रखना, तू भी ऐसी गलती मत करना। हाँ जी बाबू।